3.5 यहाँ पर बन रहा है, दिख रहा है आपको 3.4 3.4। अब यही चीज मैं बैटरी निकाल के चेक करूंगा, क्योंकि ये मेरा पहली बात तो वोल्टेज नहीं है, क्योंकि चार्जर लगे मॉसफेट आपका, ये जो ट्रांजिस्टर है ये आपका ऑन होगा। कहने का मतलब ये है कि ये मॉसफेट ऑन कर रहा है इस ट्रांजिस्टर को, तो इसलिए हमारा अभी क्या है, ये ऑन हो रहा है या ये ऑन हो रहा है, ये क्या है हम बोर्ड में पता करेंगे, देखेंगे प्रॉपर। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके गेट पर हमारे को 2.5 है, आपको कस्टमर से ज्यादा आपको बाजू वाली दुकान का बोर्ड डलवाना। दूसरा, जिंदगी भर टेक्नीशियन कब तक बने रहोगे, अब आपको टाइम है टीचर बनने का, तो एसर टेलीकॉम ज्वाइन करो और एक गारंटी पढ़ाई पढ़ो, गारंटी। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी लोग, मैं देवदत्त अग्रवाल और आज एक बहुत बढ़िया सा आपके लिए सलूशन लेके आए हैं, ठीक है। और ये टेक्नो के सलूशन से, टेक्नो में अक्सर लोग चार्जिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा फंसते हैं, तो ये मेरे पास में टेक्नो का एक सेट है जिसके अंदर चार्जिंग का प्रॉब्लम है, दिखाई थोड़ा सा जूम करके, ये देखिए इसमें ये बेसिकली जो ट्रांजिस्टर भी चार्जिंग सेक्शन होता है इसके अंदर, और एक मॉसफेट के थ्रू ट्रांजिस्टर को इनेबल कराया जाता है। तो ये हम पूरा सर्किट समझेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, मतलब ये एक टेक्नीशियन नहीं, एक टीचर का वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस 102% इस वीडियो देखने के बाद में आप इस सेक्शंस को 102% बना लेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फोन में, ये देखिए फोन में इस तरह की आईसी लगी हुई है, एक ट्रांजिस्टर बेस आईसी है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम डबल ट्रांजिस्टर बेस आईसी कहते हैं, और इसमें आप कह सकते हैं कि दो ट्रांजिस्टर बेस आईसी है या सिंगल ट्रांजिस्टर है, और टेक्नो के में ऐसे दो आईसियां यूज होती हैं, है ना, तो ट्रांजिस्टर बेस आईसी है। इसके साथ देखिए एक मॉसपैड यूज किया गया है, ये दिखता आपको यहाँ पर ट्रांजिस्टर जैसा है, बट ये एक मॉसपैड है एन चैनल का और ये ट्रांजिस्टर बेस आईसी है बी चैनल की। सो हम इसको इस पर काम करेंगे, यहाँ पे लोड रजिस्टर लगा है, सेंट रजिस्टर और बाकी सारे हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं। और ये जो सेट है ये एक मीडियाटेक का सेट है, और सबसे ज्यादा देखा गया है कि मीडियाटेक के सेटों में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स बेसिकली देखी जाती है वो रजिस्टर्स की होती है, सर्किट पूरा ना होने की वजह से होती है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है मैं आज आपको बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, और ये इतने सरल तरीके से होगा कि आपको इसके बाद इसका दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दे कभी भी लाइफ में अगर इसको नहीं समझा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और आप इससे अंदाजा निकाल सकते हैं कि अगर आपको इस वीडियो में समझ में आता है तो इंस्टीट्यूट में आएंगे। तो इसलिए ही हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कुछ महीनों बाद अपना खुद का इंस्टीट्यूट क्यों खोल लेते हैं, इसका रीजन आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये चार्जिंग कितना ले रहा है, दिखाइए थोड़ा। देखिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ देखिए, तो जैसे ही मैंने इसको चार्जिंग पर लगाया, नोटिस करो ये चार्जिंग का कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा है, फोन ऑन हो रहा है चार्जिंग पर एम्पियर देखिए आप कुछ भी नहीं ले रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जी, ये देखिए 1% पर ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ले रहा है क्या, नहीं ले रहा, तो मतलब कुछ भी नहीं ले रहा, जबकि इसको लेना चाहिए फॉर एग्जाम्पल बेसिकली कुछ भी एम्पियर नहीं ले रही है, अभी किसका फॉल्ट है, पर डिडक्शन तो हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने चार्जर लगाया, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जैसे मैंने चार्जर लगाया नोटिस करना, ये देखिए बैटरी लगाकर जैसे ही मैंने चार्जर लगाया यहाँ पर देखिए, तो डिडक्शन तो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर, नहीं तो डिडक्शन नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये लोगो भी नहीं आता, ठीक है, और ये एम्पियर का लोगो भी नहीं आता, मतलब चार्जिंग का लोगो भी नहीं आता, तो इसका मतलब इसमें क्या फॉल्ट है। तो इसका फॉल्ट समझने से पहले आइए हम इसका थोड़ा सर्किट समझ लेते हैं और फिर जल्दी जल्दी हम इसको बनाते हैं, तो स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किपेबल नहीं है, यहाँ पर आपको वीडियो में बहुत अच्छा समझ में आएगा। आइए तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सबसे पहले मैं एक बैटरी कनेक्टर बना देता हूँ, ये मेरा बैटरी कनेक्टर है, ये मेरी आईसी है, और ये मेरा वही ट्रांजिस्टर है, ये मेरा एक मॉसफेट बन गया मैंने, ठीक है, तो ये मेरा मॉसफेट बन गया है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर आईसी को भी कुछ, ये देखिए तो 8 लाख का ट्रांजिस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये मेरा ट्रांजिस्टर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब क्या करते हैं थोड़ी सी सप्लाइयाँ डाल लेंगे, तो यहाँ से मेरा वीबस चल रहा है, ठीक है, और सबसे पहले वीबस मेरा इसमें आ रहा है। मैं आपको पूरी सप्लाई एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी आप पूरा देखिए कि कैसे बना रहा हूँ और कैसे ये होता है। तो ये सब आगे की और ये इधर,
तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक सबसे पहले सप्लाई जो लगी होती है वो लगा होता है एक रजिस्टर, एक ये और ये सप्लाई और ये VCDT की सप्लाई, ठीक है, फिर एक रजिस्टर और ये LDO की सप्लाई, ठीक है। अब इसी के में अगर हम MOSFET की अगर हम बात करें, जो हमारा एक होता है ड्रेन, एक होता है गेट, एक होता है सोर्स, तो ये हमारा इस तरह से चले आएगा, यहाँ पर आएगा। चलो वोल्टेज की बात करूँगा, अभी मैं वोल्टेज लिखूंगा, फिलहाल तो मैं सिर्फ सर्किट बना दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रेन भी हमारा कनेक्ट होता है, तो ये हमने ड्रेन कनेक्ट कर दिया इसके साथ, और यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लगा देंगे, ये लोड रजिस्टर है यहाँ पर ये, ठीक है। आपको पता ही है कि यहाँ पे चार सर्किट होते हैं, हालांकि सर्किट इसके अलावा भी होते हैं, इसमें सेंस की सप्लाई बहुत सारी होती है, CS+, CS-, BBAT में भी बहुत सारी सेंस की सप्लाई होती है। तो फिलहाल अभी तो उसका टाइम नहीं है बनाने का, तो एक आपकी ID, एक आपकी टर्मिनल जिसको हम बैट ऑन भी कहते हैं, और एक आपका BBAT, ठीक है, और ग्राउंड के साथ भी आपकी दो सप्लाई होती है, अगर मैं उसको डालना चाहूँ तो। चलो वो भी डाल देता हूँ, तो आपको एक बढ़िया सर्किट देखने को मिलेगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ग्राउंड की सप्लाई भी डाली है, कि चलो नहीं हुआ तो हम ये भी चेक करेंगे। ये हमारा CS+, CS-, ठीक है, ये हमारी ग्राउंड की सप्लाई है, और ये हमारा लोड रजिस्टर है, इसके साथ भी एक सप्लाई होती है। अब हम इस सप्लाई को भी बना देते हैं, तो ये हमारा बेसिकली आई सेंस और ये हमारा बैट सेंस। सो देखो ये वर्क कैसे करता है, तो पहले अभी तो हमने इसकी सिर्फ सप्लाई बनाई है, अब हम दिखाते हैं कि वर्क कैसे करता है। पहले से छाप का बनाने में क्या मतलब है, इसलिए मैंने आपके सामने बनाया। तो सबसे पहले जैसे आप चार्जर लगाते हो, तो आपको एक बीबस 5 वोल्टेज आपको देखने को मिलता है, जो कि सबसे पहले सप्लाई आपकी VCDT, मतलब एक वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन टिगर्स, एक तरह का टिगर है ये, जैसे ही पावर AC को टिगर मिलता है तो ये आपको मिलता है 0.5 वोल्टेज, जिसमें आपको 330K का एक रजिस्टर और एक 39 का एक रजिस्टर, जो कि आपका डिवाइडर सर्किट है, जिसमें ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ पे आपको वोल्टेज डिटेक्शन हो जाता है, डेट मीन आपकी चार्जिंग में आपको लोगो दिख जाएगा। उसके बाद फिर यही सप्लाई आगे जाती है, तो ये तो सबसे पहले आपके यहाँ PNP ट्रांजिस्टर में मूव हो जाती है। तो ये आपका एक PNP ट्रांजिस्टर है, जिसमें ये आपका एमिटर है, ये आपका बेस है, और ये आपका कलेक्टर है। आपको तो पता ही है कि कलेक्टर यहाँ पर कनेक्टेड है पूरे से। तो ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, क्योंकि ये PNP ट्रांजिस्टर है तो क्योंकि बेस को यहाँ पर अब एक सिग्नल चाहिए, ताकि एमिटर अपने रिस्पेक्टिवली वोल्टेज बनाए और यहाँ पर आपके कलेक्टर में आपको दे दे और यहाँ पे वोल्टेज मिल जाए। तो कैसा होगा, तो ये ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा ये MOSFET, ठीक है, ये MOSFET आपका जो है ये N चैनल का MOSFET बेसिकली क्या होता है कि ये ड्रेन को सोर्स के साथ स्विचिंग करवाएगा या कनेक्ट करेगा, तो उसके लिए गेट पर थोड़ा सिग्नल चाहिए, तो गेट को सिग्नल। अब देखिए, जैसे आपने चार्जर लगाया तो आपको 5 वोल्टेज मिले, अगर आपका ये 5 VCDT बनता है तो समझो लोगो आ रहा है, जो कि हमारा आ रहा है, मतलब हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम इसके गेट पर देखेंगे कि 2.8 वोल्टेज बनना चाहिए, जो कि LDO यहाँ पर 2.8 बनता है, और यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देखने को मिलता है। अब ये सोर्स जो कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है वोल्टेज ड्राइव की सप्लाई से, जो कि ये भी पावर AC के अंदर है, यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिवली 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। जैसे गेट पर वोल्टेज आता है तो वो सोर्स और आपके ड्रेन को बेसिकली कनेक्ट करेगा, तो स्विचिंग करेगा और आपका ड्रेन पे एक वोल्टेज आ जाएगा, तो ये वोल्टेज आने की वजह से बेस एक सिग्नल की तरह इस वोल्टेज को लेगा और ये MOSFET आपका, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये आपका ऑन होगा। कहने का मतलब ये है कि ये MOSFET ऑन कर रहा है इस ट्रांजिस्टर को, तो इसलिए हमारा अभी क्या है, ये ऑन हो रहा है या ये ऑन हो रहा है, ये क्या है, हम बोर्ड में पता करेंगे, देखेंगे प्रॉपर। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके गेट पर हमारे को 2.8 वोल्टेज चाहिए, नहीं तो वो रजिस्टर का देखेंगे, नहीं तो फिर वो पावर AC का LDO बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये देखेंगे,
दूसरा इसके ड्राइव पे वोल्टेज देख चेक करेंगे और इसके ड्रेन पे करेंगे। अगर ड्रेन पे वोल्टेज मिल जाता है तो हम मानेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इसके बेस पे क्या वोल्टेज आ रहा है, और बेस पे वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब हमारा एमिटर, मतलब हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन नहीं हो रहा है। ये मॉस्फेट हमारा ऑन हो रहा है पर ट्रांजिस्टर हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो क्योंकि एमिटर पे 5 वोल्टेज है तो कलेक्टर पे वोल्टेज ड्राइव करने के लिए बेस को वोल्टेज देना जरूरी है, पर बेस पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा क्योंकि ड्रेन कोई वोल्टेज बना ही नहीं रहा, क्योंकि गेट पर भी वोल्टेज हो सकता है ना, या हो सकता है गेट पे वोल्टेज आए सोर्स पे आए और ये आपका जो मॉस्फेट है ये ऑन हो रहा हो, बट ये मॉस्फेट खराब हो जाने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज ना मिले तो हम इसको चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज मिल गया तो हम इसको चेंज करेंगे, सीधी सी बात है। बट अगर हमारे को कुछ एम्पियर मिलता और फिर वो 0-0 आता तो हम यहाँ पर आई सेंस और बैड सेंस की सप्लाई चेक करते हैं, जो कि हमें यहाँ पे 4-4 वोल्टेज आने चाहिए बैट, और यहाँ पर हमको जो बी बैट पर है बैटरी हटाकर हमको इतने वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर और सेंस की बात करें कैसे कुछ एरर्स आते हैं ना, वो वैसे एरर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कुछ साउमी में अभी मोड जो मैं अभी नहीं कहना चाहता हूँ, और बहुत सारे ऐसे मोड पे चले जाता है या आपके लो बैटरी टाइम या लो बैटरी एरर आपको दिखता है, तो ये आपको चार्जिंग सेंस पॉजिटिव चार्जिंग सेंस निगेटिव की सप्लाई है जो कि आपको चेक करनी होती है, जो ये भी ग्राउंड होनी चाहिए और ये भी ग्राउंड होनी चाहिए। सो ये एक छोटा सा सर्किट है जो कि इसको ट्रांजिस्टर बेस्ड चार्जिंग सेक्शन कहा गया है, मतलब ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमें एक मॉस्फेट को ऑन करना पड़ता है, और ये सारा गेम जो हो रहा है ये इसकी पावर ऐसी है जो कि यहाँ पे है, यहाँ पर ये लगी है XS357V, यहाँ CRV नहीं है यहाँ पे V है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो आ जाओ मेरे पास, मैं आपको समझाता हूँ इसको बेस्ट तरीके से। सबसे पहले मैं आपको यहां से दिखाना चाहूंगा, ठीक है, मैंने चार्जर लगाया है, चार्जर लगाकर देखिए कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, ठीक है, वन मिनट, कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। अब मल्टीमीटर पे ध्यान रखिएगा, और ये देखिए मैं पहले कहां टच कर रहा हूं, पहले देखिए मेरा बैटरी लगा हुआ है, नोटिस करना, तो मैं यहां पर मल्टीमीटर भी ऑन कर देता हूं ताकि आप यहां पर मल्टीमीटर भी देख सकें। चलो ये सुविधा भी आपको दे देते हैं। तो मेरे पास जो पीसी मल्टीमीटर है वो है यूनिटी का, इसको हम ऑन कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पर ये देखिए, तो ये मेरा मल्टीमीटर आ गया। चलिए अब देखिए सर जी, मेरा बैटरी लगा हुआ है, अब मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा, तो मेरा ये लोड रजिस्टर है इस पे वोल्टेज मेरा बैटरी लगने पर और चार्जर लगने पर मेरा कितना आ रहा है, तो ये मैं चेक करूंगा। तो आप देख सकते हैं 3.5 यहां पर बन रहा है, दिख रहा है आपको 3.4 3.4 अब यही चीज मैं बैटरी निकाल के चेक करूंगा, क्योंकि ये मेरा पहली बात तो वोल्टेज नहीं है क्योंकि चार्जर लगने पर 4 के ऊपर आना चाहिए, तो अब मैं बैटरी निकालूंगा, अब मेरे को यहां पर कितना वोल्ट आना चाहिए, तो अब मैं देखता हूं कि मेरे लोड रजिस्टर पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मेरे लोड रजिस्टर पे बेसिकली अभी 3.5 या 3. या 4. या कुछ इस तरह से वोल्टेज आने चाहिए। तो आप देखिए यहां पर, देखिए मैंने यहां पर लगा के रखा हुआ है, ये ग्राउंड पे कैसा टच किया, और यहां पर देखिए तो कोई भी वोल्टेज दिख रहे क्या? नहीं नहीं, इसका मतलब है कि मेरा सबसे पहले कि मेरा ये जो मॉस्फेट है, मेरा ये जो मॉस्फेट है ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरह से दिखाइए कि ये जो मॉस्फेट है ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है, तो मेरा ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा, ट्रांजिस्टर को ऑन कौन करता है? हमारा मॉस्फेट। मेरा ट्रांजिस्टर ये ऑन नहीं हो रहा है, अब ये ऑन नहीं हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि मॉस्फेट ऑन हो रहा है कि नहीं। तो मॉस्फेट का आप देख सकते हैं कि ये जो सिरा है ये ड्रेन है, हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा बकायदा वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 वोल्टेज हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नोटिस करना। तो जैसे मैंने यहाँ लगाया, ये मेरा कैपेसिटर है, सो आप देख सकते हैं 5 वोल्टेज मिल रहा है आपको, यस, और आपके आईसी के बेसिकली एमीटर पे आप देखिए तो यहाँ पर भी आप देखिए तो आपको 5 वोल्टेज मिल रहा है, मतलब आईसी के एमीटर पे आपको 5 वोल्टेज आ रहा है। अब ये आईसी तो इनपुट तो ले रहा है, पर वो आईसी को इनेबल होने के लिए सिग्नल चाहिए जो कि आपको मॉस्फेट बना के दे रहा है, बराबर बराबर। अभी आपको कैसे करना है, अब आपको मॉस्फेट चेक करना है, तो मॉस्फेट में हम सबसे पहले ड्रेन और मॉस्फेट में ड्रेन चेक करेंगे, तो ड्रेन से पहले सोर्स और सोर्स से पहले हम गेट, तो हम सबसे पहले हम यहां पर वोल्टेज चेक करेंगे, तो ये मेरा आपका यहां पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, तो देखो यहां पर आप नोटिस करना यहां पर कितना वोल्टेज आ रहा है, मल्टीमीटर दिखा दो वहां पर, मल्टीमीटर उतना एक्यूरेसी नहीं आ रही, यहां पर दिखाओ मल्टीमीटर में, ठीक है, नोटिस करो
पहले दिखाओ मैं वहाँ पे कहाँ लगाया, देखो यहाँ पे टच किया सबसे पहले यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2.8 वोल्टेज, 2.7। इसका मतलब है कि मेरा LDO बन रहा है। यस, अब मैं देखूंगा कि वोल्टेज ड्राइव बन रहा है कि नहीं बन रहा। नोटिस करो, देखिए तो वोल्टेज ड्राइव पे नोटिस करो, देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चार्जर लगा के फिर से यहाँ चार्जर लगाऊं और यहाँ पर मेरे को वोल्टेज ड्राइव में वोल्टेज आना चाहिए, तो नोटिस करना, ये देखो दिखाओ यहाँ पर, देखो 1.5 वोल्टेज आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, ये एक्यूरेटली ये 1.8 वोल्टेज आता है, ये देखो दिख रहा है 1.6 बिल्कुल। तो मतलब यहाँ मेरे को 1.6 आ रहे हैं, यहाँ मेरे को 2.8 आ रहा है, इसका मतलब रिस्पेक्टली मेरा और जो मेरा पावर है वो तो पूरा वर्क कर रहा है। अब देख रहे हैं कि ये मॉस्फेट स्विच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज कुछ ना कुछ मिलने चाहिए। तो देखिए मुझे, तो यहीं पे मैं वोल्टेज चेक करूंगा, तो नोटिस करो यहाँ पे 1.2 मिल रहा है, 1.1 मिल रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें जो मेन ट्रांजिस्टर है वो ऑन नहीं हो रहा है। देखो 2.8 मिल रहा है, 1.86 मिल रहा है, 1.2 मिल रहा है, और इसके हिसाब से 5 मिल रहा है, और 1.2 मतलब ये लो हो रहा है। तो मीटर एमिटर से वोल्टेज ड्राइव करके कुछ थोड़ा कम अपने आईसी के अकॉर्डिंग के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर 4 वोल्टेज ड्राइव होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, हम सीधे ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं, क्यों हमें लग रहा है ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है जो कि ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया है, और आपने ये भी देखा कि हमने ट्रांजिस्टर को चेंज करने से पहले पूरा आपको सर्किट सिखाया, देखा। और अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया है तो प्लीज़ मत करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लास लेवल की होती हैं और ऐसे वीडियो आपको देखने को कम मिलते हैं। तो अब साइड आ जाइए, अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करता हूँ, और अब मैं ये चेक करता हूँ कि अब मेरा जो चार्जिंग है वो बराबर ले रहा है कि नहीं ले रहा। और अगर मेरा चार्जिंग ले लेता है तो मतलब फिर मैं चेक करूँगा कि मेरा क्या वो जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए 0.60 आया था, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड सर्किट है मोबाइल के हिसाब से। नोटिस करना यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना लेता है, ये देखिए 1.1 ले लिया इसने, ये देखिए देख सकते हैं आप 1.1 ले लिया। थोड़ा सा पीछे से दिखा दो, मतलब ये हमारा चार्जिंग होना चालू कर दिया।
तो इसका मतलब है कि ये हमारा सर्किट जब बन गया है और ये 1.0 एम्पीयर ले लिया, अब हम देखते हैं कि क्या इस पे वाकई में वोल्टेज उतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब नोटिस करो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। अब देखिए फिर से वोल्टेज, तो यहां पर दिखाइए, देखिए अब हम वोल्टेज यहां पर दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा मल्टीमीटर को फिर से बंद करके फिर से चालू कर देते हैं। चालिए, तो एक सेकंड बस दीजिए और बस यहाँ पर आप दिखाइए, देखिए हमने एक बार मल्टीमीटर को चालू कर देते हैं। तो ओके, सो मल्टीमीटर अब हमारा चालू हो गया है आई गेस, ठीक है। चल रहा है थोड़ा सा रिस्पॉन्सली, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पर कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं, तो पहले हम बैटरी लगा के देखते हैं कि अब बैटरी, पहले हम बैटरी लगा के हमने चेक किया था तो 3.5 था, अब हम बैटरी लगा के चेक करेंगे तो अब हमारा वोल्टेज कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ दिखाइए कि मैंने कहाँ पे टच कर रहा हूँ, वो लोड रजिस्टर पे, नोटिस करो। हाँ दिखाइए, तो देखिए अब हम बैटरी हमने निकाल दी है, आप जैसे कि देख सकते हैं, है ना जी सर। अब हमारा पहले वोल्टेज कुछ भी नहीं था, हेलो ओके। अब हम लोड रजिस्टर पे देखेंगे तो नोटिस करो, तो यहाँ पर यहाँ दिखाइए, देखो 4 वोल्टेज आ रहा है, ये देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे, ये देखो 4 वोल्टेज आ रहा है। देखो कहाँ रखा हूँ मैंने, लोड रजिस्टर पे, यस, और विदाउट बैटरी। इसका मतलब है कि मेरा जो मॉस्फेट है वो अब ऑन हो रहा है। तो बेसिकली आई होप कि आप इसको पूरी अच्छी तरीके से समझे होंगे, तो ये सर्किट तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपने देखा कि हमने किस तरीके से हमने एक सोच समझ कर सर्किट को बनाया, तो ये सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से हमने सर्किट को बनाया, ऐसे नहीं कि मुंह उठाया हमने कोई भी आईसी चेंज कर दी। तो अगर हम आईसी चेंज करते और तब भी नहीं बनता तो क्या होता, अगर हम ये जो हमारा मॉस्फेट है इसको चेंज कर देते तब भी नहीं बनता तो क्या होता भाई, सीपीयू रिवॉल्व करते। यही कर रहे हैं, यही कर रहे हो आप, या आईसी काम नहीं कर रहे हो, या सीपीयू पे काम नहीं कर रहे हो, या आपको काम करने में डर लगता है, या कहीं 10,000 या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में चले गए हो जहां पर आपको आपके हिसाब से नहीं सिखाया जा रहा है कि आप बोर्ड पे काम नहीं कर पा रहे हो, बस सिर्फ थ्योरी सीख रहे हो, या आपको सिर्फ जियो के बोर्डों में सिखाया जा रहा है, डेली आपको कोई जियो का माइक पढ़ा रहा है या जियो का कोई वो पढ़ा रहा है। तो आप ये आपको समझने की जरूरत है कि अभी के डेट में आपको स्विच ऑन करने का बहुत ज्यादा मौका है। आप एसर टेलीकॉम को कॉल करो, एमडी सर को कॉल करो सवेरे। अच्छा, कॉलिंग टाइम जब भी आप करेंगे ना, तो सवेरे कोशिश करो 9 बजे से 12 बजे के बीच में कॉल कर लो, तो ज्यादा बेटर होगा। बहुत से लोगों की इंक्वायरी होती है कि सर कॉल नहीं उठाते, तो आप 9 बजे से 12 बजे के बीच में कॉल करना। मैं आपसे क्या वादा कर सकता हूँ, पहला वादा ये कि तीसरे दिन में आपसे लाइव पावर लगा दूंगा, भले ही आपने जिंदगी में SMD छुई है कि नहीं छुई है। 14 दिन में आपसे लाइव CPU करवा दूंगा, भले ही तुमने कभी लाइव में SMD या रिवॉल्विंग भी की है, मैं लाइव CPU लगवा के चालू करवाऊंगा, सेट MMC लगवा के चालू करवाऊंगा, ठीक है। और 14 दिन में आप क्या क्या कर लोगे, आप बोर्डों के ICU की आइडेंटिफिकेशन कर लोगे, किसी भी बोर्ड के आप कोर IC, उसकी पावर, उसका CPU, उसकी ऑडियो, उसका RF, उसके बहुत सारे 80% ICU के आइडेंटिफाई करोगे, उसको गिनोगे, पैडों को गिनना सीखोगे, और चालू मोबाइल के IC निकाल के डाटा शीट बनाओगे, जैसे हमने हमारे स्टूडेंट ने बनाया। नहीं देखा तो फेसबुक में जाके डेली लाइव देखो हमें। और दोस्तों क्या मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, आपको रहने खाने की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रहना खाना सब कुछ हमारी तरफ से, हॉस्टल, और जो भी भाई आना चाहता है वो बिल्कुल आए, इस महीने का बैच हमारा ज्वाइन करें, या अगले महीने का या उसके अगले महीने का, जब भी आए मन बनाए और एसर टेलीकॉम आए। पर एसर टेलीकॉम आने पर ध्यान रखना, हमारा कोर्स कोई 10 दिन का नहीं है, कोई 15 दिन का नहीं है, कोई 20 दिन का नहीं है, हम आपसे पूरे कनेक्टेड रहेंगे। 4 महीने का कोर्स है हमारा, और 4 महीने के बाद आपसे पूरी लाइफ भर कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी एक बार में नहीं सीखता है, आपको बार बार सीखने के लिए बार बार आना पड़ता है। तो हमारा जो सिखाने का सिलेबस है वो बहुत ही अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मैसेज मत कीजिए किसी भी तरीके से, किसी भी दिए नंबर पे हेलो हाय इसे टेलीकॉम बिल्कुल मत लिखिए, आप सीधे डायरेक्टली कॉल कीजिए। आपको सवेरे का टाइम बता दिया है 9 बजे से 11 बजे के बीच में, और कॉल किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट प्रोबेबली उठाने का, क्योंकि सुबह 9 से 11 बजे के बीच में जो MD सर होते हैं उनकी क्लास नहीं होती, उस टाइम पे वो क्लास उठा लेते, उस टाइम पे वो फोन उठा लेते हैं। तो आप कॉल कीजिए 9 बजे से 11 बजे के बीच में, और सीधे बात कि सर हमें आना है और हम कैसे आए। सो एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर आपके हॉस्टल तक सारी आपको जानकारी देंगे, आपको कितने बोर्ड लाने हैं, क्या लाना है, आपको क्या सुविधा आपको यहाँ मिलने वाली, सारी बात आपको बताएंगे।
पूरा घर भूल के आओ, अपने आप को ये समझ के आओ कि मैं सीखने जा रहा हूँ, और सिर्फ सीखने के लिए आओ, घूमने के लिए मत आओ, और किसी भी तरीके से बस ये समझो कि अब मुझे पीछे नहीं हटना है और आगे जाना है, सीखना है। देखो इस सर्किट को बनाने में लोगों आज तक समझ नहीं पाए, हम चाहते तो हम सीधे इस सप्लाई से जो 5 वोल्ट की आ रही है एक डायोड लगाते, क्यों साहिल सर? बिल्कुल सर, एक डायोड लगाते और इसके वीवेट को दे देते, एक जिनर डायोड लगाते। पर अब जिनर डायोड वाला टीचर अब बहुत पीछे हो गया है, अब आपको आगे बनना है। सिर्फ जिनर डायोड आगे गर्म मत करो अपने बोर्डो को, अपने बोर्डो को सही से काम करो, कस्टमर को लगना चाहिए आपका काम सही है। और कस्टमर ही नहीं, क्योंकि हमारा काम है आपको कस्टमर से एशिया टेलीकॉम है जो 4G मोबाइल का दुकान का बोर्ड डलवाना, ईएमएमसी पावर आईसी के टेक्नीशियन तक बने रहोगे, चार बार आपको टाइम है लाइव बोर्ड पर लगवाता है, गारंटी है हमारी, ज्वाइन करो और एक गारंटी पढ़ाई पढ़ो आप खुद से, गारंटी चिप लेवल का काम सीखकर अपनी कमाई को करें डबल। और आज ही एमडी सर को कॉल करो 7000071192। लाइव क्लास देखने के लिए फेसबुक पर एशिया टेलीकॉम सर्च करो आज ही। एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का, yes, sir. आप बताओ किस किस को समझ में आया? yes, sir. प्रैक्टिकली yes, sir. क्या बात है? तो क्वार्टर है, क्वार्टर है और टोको और एक्सक्यूज। एक बार भी दिल बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है, लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे। सर मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? मैं सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?